आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर रनिंग करते हुए एक युवक को अज्ञात लोगों ने आकर गोली मार दी, जिसको आनन फानन में घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 11 बजे पंतविहार निवासी यश पुंडीर रोज की तरह आज भी स्टेडियम में रनिंग करने के लिए पहुंचा। तभी वहां पर कुछ गाड़ी में आए अज्ञात लोगों ने यश को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसमें देखते हुए यश को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये जो है ना, आराम से। देखिए, ये सवेरे आज 11 बजे की घटना है। स्टेडियम पर एक यश प्रताप नाम का एक युवक है जो कि वहाँ पे लगातार प्रैक्टिस के लिए आता है। उस पर कुछ लोगों ने, जो कि एक सफारी कार में सवार होकर के आए थे, उनके द्वारा जो है फायरिंग करी गई है। इस युवक को गोली लगी, इसको हमने तुरंत ही जिला अस्पताल भेजा और उसके बाद में इनको मेडिग्राम, बेहतर चिकित्सा के लिए मेडिग्राम लाया। यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है धारा 307 के अंतर्गत, और जो मुलजिम है उनकी तलाश की जा रही है। पूरा अलर्ट करा करके इस प्रकार की जो गाड़ी है उसको रोकने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अलर्ट करा दिया गया है, और जल्द ही जो अभियुक्त हैं उनको हमारे द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलता है और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आपस में किसी प्रकार का मतभेद हुआ। इस पर बड़ी लंबी चैटिंग हमारे द्वारा देखा गया है, बहुत लंबी चैटिंग इस पर चल रही थी। एक दूसरे को ये लोग जो है प्रोवोक कर रहे थे, उसी के बाद में वर्चस्व के चलते ही संभवतः ये घटना घटित हुई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज सपा नगर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए नगर विधायक संजय गर्ग ने आगामी दिनों में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाले समाजवादी पार्टी के धरने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और उनसे धरने को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में नगर अध्यक्ष आजम शाह, फैसल सलमानी, हरपाल सिंह वर्मा सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बैठती है कि वो बैलेट से चुनाव कराए, क्योंकि बैलेट से चुनाव जब तक 100% लोगों का विश्वास नहीं होगा तब तक लोकतंत्र बेमानी है, लोकतंत्र का अपने आप में कोई अहमियत नहीं। इसलिए इस पूरे जितनी मांगे इस धरने की, पूरे प्रदेश में 25 मांगे हैं, और इन 25 मांगों की जो पहली मांग है वो ईवीएम से संबंधित है, जिस पर हमें जोर देकर सरकार को मजबूर करना है कि हम किसी भी रूप में आपको चुनाव ईवीएम के द्वारा कराने चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा आज रोटरी भवन में 13 मुस्लिम एवं 2 हिंदू जोड़ों की धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई। शादी समारोह में मंडलायुक्त संजय कुमार, जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे, महापौर संजीव वालिया, मौलवी फरीद, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखी जीवन की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में पार्षद इरशाद, शहजाद मलिक, सलीम कुरैशी, सपना ठाकुर सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज 14 लोगों का हम लोगों ने यहाँ विवाह संपन्न कराया नगर निगम में, और मुख्य उद्देश्य यही है कि हर जो भी व्यक्ति गरीब है उनका हम जीवन स्तर उठा सकें। उनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना से भी आच्छादित कराया है,
और पूरा धूमधाम से जैसे शादी होती है, घर की शादी होती है, उसी तरह हम लोगों ने पूरा ये शादियाँ करवाई हैं। सभी लोग इसमें शामिल हुए, हमारे सभी पार्षदगढ़ और शहर के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। नगर के बाजोरिया इंटर कॉलेज में आज मेजर सुधीर कुमार व एनसीसी अधिकारी राकेश शर्मा के नेतृत्व में सीनियर डिवीजन के कैडेटों की भर्ती की गई, जिसमें कुल 50 कैडेटों की भर्ती की गई। अरे सर एनसीसी बटालियन की तरफ से आज भर्ती प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें बाजोरिया कॉलेज में सीनियर डिवीजन के 55 बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 100 की स्ट्रेंथ है, जिसमें 45 बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, 55 बच्चे जो फर्स्ट ईयर के भर्ती करने हैं, उनका आज फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद संडे में जो आज क्वालिफाई करेंगे उनका संडे में रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट के बाद फाइनल उनका एनरोलमेंट सीनियर डिवीजन में होगा। 100 बच्चों ने लगभग हमारे पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 80 बच्चे रनिंग में पास हुए, बाकी पुशअप और सीटअप में कुछ बच्चे बाहर निकले। अभी भी हमारे पास जो हैं 65 बच्चे हैं, जिनमें से मैं छांट करके 55 को फाइनली सिलेक्ट करना है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 ए हटाए जाने के बाद आज सुरक्षा की दृष्टि से नगर के पार्श्वनाथ प्लाजा, कोर्ट रोड, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में खुफिया पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।